और हिदायत के लिए एक अमल याद रखिए, किसी बंदे का अकीदा ठीक ना हो, किसी बंदे के अमल ठीक ना हो, मां बाप का नाफरमान हो या और ऐसी कोई उसके अंदर ऐब हो, तो उसको एक वजीफा करवाएं। कौन सा वजीफा? या रहमान, या रहीम, या हादी। ये तीन लफ्ज याद रखें, या रहमान, या रहीम, या हादी। अगर आप किसी को कहेंगे ना कि भी पढ़ो तुम नेक बन जाओगे, वो नहीं पढ़ेगा। आप हिकमत से काम लें। अगर कोई बच्ची है, बेनमाजी है, दुनिया की तरफ लगी हुई है, दीन की तरफ आती नहीं है, उसको कहें कि बच्चा ये अमल करो, हर नमाज नमाज पढ़ो और नमाज के बाद ये 21 मरतबा या रहमान, या रहीम, या हादी। और अगर नमाज नहीं भी पढ़ती तो वैसे ही दिन में 21 मरतबा पढ़ ले या रहमान, या रहीम, या हादी, तो तुम्हारा रिश्ता अच्छी जगह हो जाएगा। अब ये बात ऐसी है कि जिसको सुन के हर लड़की मुतवज्जे हो जाती है, मेरा रिश्ता अच्छी जगह पे हो, मैं हर अमल करने को तैयार हूं, तो वो ये अमल करेगी, रिश्ता भी अच्छी जगह हो जाएगा और उसको हिदायत भी मिल जाएगी, वो नेकी की तरफ भी आ जाएगी। कोई बंदा है तो उसको कहे भाई आप करो, आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा। मर्दों को अपने कारोबार की बड़ी फिक्र होती है, और उनको पता चल जाए कि इस अमल से कारोबार अच्छा हो जाएगा तो वो रात को तहज्जुद में उठने के लिए भी तैयार होते हैं। तो जो बंदा भी हो उसको कहें कि भाई इस अमल को करो, इससे तुम्हारा दुनिया का फायदा हो जाएगा, वो फायदा भी होगा और एक फायदा यह भी कि अल्लाह उसको हिदायत भी अता फरमा देंगे। हमारा ये तजर्बा है कि जिस बंदे को यह अमल दिया जाए और वह इसको बाकायदगी से करे, 40 दिन गुजरने से पहले पहले अल्लाह उसको हिदायत अता फरमा देते हैं। हमने कुफर पे जमे लोगों को इस्लाम कबूल करते हुए आंखों से देखा है। तो ये एक बड़ा अजीम अमल है, या रहमान, या रहीम, या हादी। और अपने लिए भी पढ़ा करें इसको कभी कभी, 2-3 दफा पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें आपने हिदायत दी, अब हिदायत के ऊपर हमें जमा दीजिए। हम